हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से रियलिस्टिक आई को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा 8 लाइन की पेंसिल्स। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूंगा 6B पेंसिल का, और आई बॉल को हम मार्क करेंगे कि आई बॉल हमें कहाँ तक शेड करना है। इसी तरह से हम 4 साइड्स पर इस तरह से मार्क कर लेंगे 6B पेंसिल का यूज़ करके। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा HB पेंसिल का, इससे हम लाइटली शेड करेंगे। सो गाइस, इसी तरह से हम स्लोली स्लोली शेड करेंगे पूरे आई बॉल में। कॉर्नर्स को भी हम मार्क कर लेंगे जहाँ जहाँ हमें शेड करना है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प का, इसके यूज़ करके मैं ब्लेंड करूँगा जो हमने शेड किया था। और आप इसकी जगह पे टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यूज़ करूँगा 6B पेंसिल का, और इसको पूरा डार्क कर दूँगा जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। उसके बाद कि कॉर्नर्स पर भी हमें ऐसा ही करना है, हम कॉर्नर्स पर थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि आई बॉल जो है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और रियलिस्टिक लगे। अभी मैं फिर से ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके इसको ब्लेंड कर दूंगा। मेरे पास है मैकेनिकल इरेजर, इसका यूज़ करके मैं हाइलाइट्स दूंगा। Thank you.
अभी मैं उसी पेंसिल का यूज़ करके स्ट्रोक्स लगाऊंगा बाहर की तरफ, जिस जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अभी मैं यूज़ करूँगा HP पेंसिल का और वो पूरे स्किन को शेड करूँगा। HB पेंसिल का यूज करके मैं कुछ इस तरह से स्लोली स्लोली शेड करूंगा। अभी मैं यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग स्टम का और इसको ब्लेंड कर दूँगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर आएगा। Thank you.
गाइस अब मैं यूज करूंगा मैकेनिकल इरेजर का और हाइलाइट्स दूंगा कुछ इस तरह से। गाइस आप इस आई को ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी रेफरेंस फोटोग्राफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप ये ड्रॉ करना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही आर्ट रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।